हे हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको 10 लाइफ सेविंग हेयर केयर हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग की जो हैबिट्स है, स्टार्ट टू एंड की जो हैबिट है, वो इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में से एक तो हैबिट रहेगी कि आपको पता नहीं होगा इस हैबिट के बारे में, मतलब इस टिप के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो हैबिट, और आपने डेली उस हैबिट को अपने रेगुलर लाइफ में यूज किया तो आपकी बहुत सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो ये जो सारी जो हैबिट है वो आपको डेली बहुत ज्यादा यूज आने वाली है। सो एक भी हैबिट को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको सारे हैबिट्स देखने हैं, इसमें आप ही का फायदा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, सो हाय गाइस, मेरा नाम है संकिता और इस चैनल पर मैं स्किन केयर, फैशन, ब्यूटी, हेयर केयर और व्लॉग बहुत सारे वीडियो डालती हूँ। सो आपको इन सारे चीजों में इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइड नोटिफिकेशन का बेल उसको जरूर हिट करना है, सो मेरे सारे अमेजिंग से वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबको ना कुछ हेयर के प्रॉब्लम तो जरूर होते होंगे। बहुत लोगों को हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बाल बीच में से ही टूट रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा फ्रिजी और ड्राई हो रहे हैं बाल, स्प्लिटन की प्रॉब्लम आ रही है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हेयर के इश्यूज हम कभी ना कभी तो फेस करते ही हैं। सो डोंट वरी गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ, मतलब आपको कुछ ऐसी आदतें रोजाना के लाइफ में फॉलो करनी है जिससे आपके जो हेयर के इश्यूज है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, बस सिंपल सी छोटी छोटी सी आदतें है, सो डेली लाइफ में आपको उसको बस फॉलो करना है। सो ये जो सारी हैबिट है वो पर्सनली मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ। जब भी मैं अपने बालों की बात करती हूँ तो इन सारे हैबिट्स को मैं खुद फॉलो करती हूँ। सो जिस वजह से मेरे जो आप बाल देख सकते हो, मेरे जो हेयर है, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हेयर फॉल कम हो रहा है और आजकल मेरे जो बाल है बहुत ज्यादा सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली वाली हैबिट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वाली जो टिप है, जो हैबिट है, जो आपको डेली रोजाना फॉलो करनी है, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा हो रहा है, सो ये जो हैबिट है वो डेफिनेटली आपको फॉलो करनी है। सो जब भी आप अपने बालों को कोम करते हो, सो उस टाइम आपको वाइल्ड टूथ कोम यूज करना है। मैं वाइल्ड टूथ कोम आपको इसलिए बता रही हूँ कि उसमें ना डिस्टेंस ज्यादा होता है उसके टीथ का। सो आप जब भी उससे कोम करोगे ना, तो उस टाइम आपका जो हेयर ब्रेकेज, मतलब आपके जो हेयर है वो कम टूटेंगे और ऐसा करने से आपके टैंगल्स वो भी इजी वे से रिमूव हो जाएंगे, प्लस आपके हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम कम हो जाएगा और इस वजह से आपका हेयर लॉस भी कम हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी आदत है पर आपको डेफिनेटली करनी, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसे मैंने खुद रियलाइज किया है। आपको हेयर स्टाइल करनी हो तो आप नॉर्मल कॉम यूज कर सकते हो, पर आपको कोम करना है अच्छे से, आपके बालों को टैंगल्स रिमूव करने हैं, तो तब आपको वाइल्ड टूथ कोम ही यूज करनी है। इससे आपके हेयर ब्रेकेज, मतलब जो हेयर आपके बीच में से ही टूट रहे हैं, वो कम हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपका हेयर लॉस ही कम हो जाएगा। सेकेंड जो हैबिट है वो है, जब आप अपने बालों को अच्छे से कोम करते हो तब आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे इस तरह से आप कोम करते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नीचे से हेयर के लेंथ से ऊपर जाना है, आप इस तरह से आपको कोम करना है डेली। बॉब कट वगैरह है तो आप ऊपर से नीचे तक जा सकते हो, पर मीडियम लेंथ है आपकी या फिर मेरे जैसे बाल है आपके, तब आपको नीचे से बालों को इस तरह से पकड़ना है और नीचे से, मतलब बालों की लेंथ से आपको कोम करना है। स्लोली स्लोली आपको रूट की तरफ जाना है, बट ऊपर से नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है इस तरह से। मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो बहुत ज्यादा पेन भी होता है आपको और बहुत ज्यादा हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी होती है, हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। सो आप नीचे से ऊपर जाओगे तब आप ट्रायंगल्स रिमूव करने के साथ ही आपका जो हेयर फॉल होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हैबिट है जो हमें फॉलो करनी है, हेयर वॉश होने के बाद आपको एक अच्छा सा टर्बन टॉवल लेना है या फिर पुराना वाला टी शर्ट ले सकते हो, कॉटन वाला। उस टर्बन टॉवल में या फिर उस कॉटन के टी शर्ट में आपको आपके बालों को रैप करना है। सो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर मेरा पुराना वाला कॉटन का टी शर्ट ले रही हूँ, इससे मेरे जो बाल है आराम से आ जाएंगे और इससे मैं रैप करती हूँ। ऐसा करने से आपके हेयर ड्राई, फ्रिजी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हेयर वॉश करने के बाद तुरंत ही इस तरह से अपने बालों को आपने रैप किया, आपके हेयर का जो हाइड्रेशन है वो वैसा का वैसा रहेगा, ड्राई फ्रिजी बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो आपके हेयर को आप बचाना चाहते हो ड्राई फ्रिजी होने से, सो हेयर वॉश होने के बाद तुरंत आपको कॉटन के टी शर्ट में या फिर टर्बन टॉवल में इस तरह से आपके बालों को रैप करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है, हेयर वॉश होने के बाद जब हम हमारे बालों को ड्राई करते हैं, सो उस टाइम हम ब्लो ड्राई करते हैं या फिर एयर ड्राई
करते हैं। सो कभी ना कभी हम हीटिंग वाले टूल्स यूज तो करते हैं, सबको अच्छा लगता है स्टाइलिंग करना, स्ट्रेटनिंग करना, बट उससे करने से पहले आपको एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना है। सो ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, ऑफलाइन में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो जब भी आप स्टाइलिंग करोगे तो उससे पहले आपको ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे करना है, अप्लाई करना है अपने बालों में। इससे क्या होगा, आपके हेयर में एक लेयर बन जाएगी, वो लेयर आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगी डैमेज होने से। सो जब भी आप स्टाइलिंग करोगे तो उस टाइम आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर लगाना है। कभी कभी हम स्ट्रेटनिंग करते हैं उसके बाद 5-6 घंटे के बाद हमारे जो बाल हैं बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। सो वैसा नहीं होने के लिए सबसे पहले आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर लगाना है। नेक्स्ट जो हैबिट है जो हमें हेयर केयर रूटीन में फॉलो करनी है वो है 15 डेज के बाद आपको एक अच्छा सा हेयर मास्क लगाना है। आप रेडीमेड भी लगा सकते हो, होममेड भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे होममेड ज्यादा प्रेफर करती हूँ। इसमें मैं सिंपल से इंग्रेडिएंट लेती हूँ जो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मैं सिंपल कर्ड लेती हूँ, योगर्ट लेती हूँ, इसमें थोड़ी सी विटामिन ई डालती हूँ और कोकोनट ऑयल डालती हूँ। इस सिंपल सा होममेड वाला मैं हेयर मास्क लगाती हूँ। ये 2 हफ्ते के बाद आपको डेफिनेटली लगाना है। इस हेयर मास्क लगाने के बाद आपके जो हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ और बहुत ज्यादा मैनेजेबल रहेंगे। तो 15 डेज के मतलब 2 हफ्ते के बाद आपको सिंपल होममेड वाला हेयर मास्क जरूर अप्लाई करना है। और नेक्स्ट जो हैबिट है हेयर लॉस को कम होने के लिए और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम लोग ऑयलिंग करते हैं। डेफिनेटली ऑयलिंग सबको करनी चाहिए, बट आपको ऑयलिंग करने से पहले आपको अच्छे से आपके बालों को कोम करना है। आप क्या करते हो, ऑयलिंग करने के बाद ही हेयर को कोम करते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयलिंग करने से पहले आपको अच्छे से सारे टैंगल्स को रिमूव करना है और उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है। सो मैं यहाँ पर अच्छे से मेरे सारे हेयर को अच्छे से कोम कर रही हूँ और उसके बाद ऑयलिंग कर रही हूँ। सो ऑयलिंग में अपने फिंगर टिप पे ऑयल लेके स्कैल्प में अप्लाई कर रही हूँ। आप हेयर लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हो, आपको जितना जरूरत है ऑयल उतना ही आपको अप्लाई करना है। पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने से उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हो जाने से ना आपके हेयर ग्रोथ बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो मेरी हेयर केयर की जो टिप है, जो हैबिट है, वो है आपको अच्छे सिल्की स्मूथ शाइनिंग वाले हेयर चाहिए। तो आपको हेयर वॉश होने के बाद, मतलब आपके जो बाल है थोड़े ड्राई होने के बाद, आपको एक अच्छा सा हेयर सीरम अप्लाई करना चाहिए। आपके पसंद आप कौन सा भी हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हो। थोड़े ड्राई होने के बाद सीरम लेना है, हाथ पे थोड़ा रब करना है, उसके बाद पूरे लेंथ पे आपको अप्लाई करना है। स्कैल्प पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, बस आपको लेंथ पे अप्लाई करना है। ऐसे करने से ना आपके जो हेयर है बहुत सॉफ्ट शाइनी स्मूथ, मतलब एक अलग ही चमक आपके बालों में दिखती है। सो ये जो हैबिट है वो हेयर वॉश होने के बाद तुरंत आपको सीरम अप्लाई करनी है। ये हैबिट आपको जरूर अप्लाई करनी है गाइस। नेक्स्ट जो टिप है वो है, मतलब ये जो टिप फॉलो करने से आपकी बॉडी को भी फायदा होगा, आपके स्किन को भी फायदा होगा और अल्टीमेटली आपके हेयर को भी फायदा होगा। मतलब आपको दिन में बहुत सारा पानी पीना है, मतलब 2 या फिर 3 लीटर आपको पानी पीना है। पानी पीने से आपकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहेगी, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा और ब्लड फ्लो अच्छे से होने से हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी, हेयर फॉल कम हो जाएगा। सो इसलिए ये सिंपल छोटी सी हैबिट है, आपको पानी पीना है। नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कि आप भी सोते समय आपके बालों को ऐसे ही खुला छोड़ के सो जाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हो गाइस, मैं भी ऐसे ही करती। सोने से पहले मैं अपने बालों को ऐसे ही खुला रख के सो जाती थी, पर इससे ना मेरा हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगे। सो उसके बाद मैंने एक अच्छी सी छोटी सी आपको एक ब्रेड बनानी, चोटी बनानी है सोने से पहले, और उसके बाद आपको आराम से सोना है। सो उस वजह ऐसा करने से आपके हेयर ब्रेकेज कम हो जाएगा, हेयर लॉस कम हो जाएगा, आपके बाल अच्छे से सिक्योर रहेंगे ब्रेड में। सो सोने से पहले आपको एक अच्छी सी ब्रेड बना के ही सोना है गाइस, खुले बाल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये वाली जो हैबिट आपको डेफिनेटली ट्राई करनी है गाइस, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला है इस हैबिट से। इससे मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। और उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट जो हैबिट है, जो लास्ट वाली जो हैबिट है, वो है बालों को बहुत ज्यादा खींच के और टाइट वाले हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने। आप पोनीटेल बनाते हो तो उस टाइम रबर को बहुत ज्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे टाइट वाले हेयर स्टाइल करने से आपके जो हेयर है वो बीच में से ब्रेक हो जाते हैं। सो उस टाइम आपका हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम ज्यादा होता है, हेयर फॉल ज्यादा होता है। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाले क्रंचीज मिलते हैं, सो क्रंचीज लेके आप आराम से उससे हेयर स्टाइल सकते हो, और निकालते समय उसके साथ बाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। टाइट वाले जो रबर्स आते हैं वो अवॉइड करके आपको क्रंचीज लगाने, क्रंचीज को आप आराम से निकाल सकते हो, इसके साथ कोई भी आपको हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसलिए सिंपल सी छोटू सी हैबिट है। सो आजकल क्रंचीज बहुत बहुत अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग पैटर्न के मिलते हैं, सो वो वाले क्रंचीज आप ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा यूजफुल आई होगी। आज की इस वीडियो में 10 लाइफ सेविंग हेयर केयर के हैबिट्स
आपको बताए हैं, इन हैबिट्स को आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इनमें से आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख के आए हो सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।